तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लू जो है वो क्यों लगती है, किस वजह से लगती है, ऐसी क्या गलतियाँ हम कर बैठते हैं जिस वजह से ये समस्या हम तक आ जाती है। और गर्मी के मौसम में तो इसका ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लू लगने की समस्या वैसे तो देखा जाए तो कोई नई नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि गर्मी का मौसम आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को लू लग जाए। आपने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से आपको लू लग गया हो, या फिर लू लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आजकल लोग ज़्यादातर तो एसी रूम में रहना प्रेफर करते हैं, तो जब वो एसी रूम से निकल कर बाहर धूप में या फिर गर्मी में आ जाते हैं तो उस वजह से ये जो लू की समस्या है, लू लगने की, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा सुख सुविधाओं के बीच में ना रहें, ठीक है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। सुविधाओं का यूज़ ज़रूर करें पर सोच समझ कर। इसके अलावा जो गर्म हवाएं हैं या फिर जो धूप है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो उसके वजह से भी आपको लू लग सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए गर्म हवाओं से बचना है और धूप से तो खासकर छाता या फिर गमछा वगैरह आप साथ लेकर ज़रूर चलें अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो। तेज़ गर्मी के मौसम में यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर फुटबॉल या फिर क्रिकेट खेलते हैं तो उस वजह से भी लू लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पानी की, कुछ लोग जो हैं वो पानी पीते ही नहीं है, ज़रूरत है तो भी नहीं, क्योंकि शायद वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए पानी हमेशा पीते रहें, लगातार पीते रहें। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे तो उतना ही आपको लू लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। गर्मी के मौसम में ठंडी तासीर की चीज़ों का सेवन ना करना या फिर कम करना, ये भी ये लू को न्योता दे सकता है। जैसे कि दही हो गया, खीरा हो गया, तरबूज, यानी कि फल जितने भी, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो जो भी फल हैं उन सबका आपको सेवन करना है जिसमें रस भरा हुआ हो, मतलब जिसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो। इसके अलावा सही कपड़ों का चुनाव ना करना, ऐसे कपड़े पहनने से बचें जिनमें हवा पास ना होती हो। कॉटन पहनना सबसे ज़्यादा सही होता है इस मौसम में। बहुत सारे लोग जो हैं वो कपड़े स्टाइल के लिए पहनते हैं जिस वजह से हवा जो है वो उनकी जीन्स के अंदर जा ही नहीं पाती है, जिस वजह से अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और उस वजह से लू की समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल का अधिक सेवन करना भी गर्मी के मौसम में भारी पड़ सकता है और लू लगने जैसी समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उस वजह से बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और उस वजह से आपको लू भी लग सकता है। इसलिए अल्कोहल का सेवन यानी कि दारू या तो आप कम पिएं अगर आप पीते हैं तो, या फिर इसको पूरी तरीके से अवॉइड ही कर दें। जुखार।